किस चीज़ का बनाया है पता है? इसके अंदर मैंने जो एक आपस में टकराओ इनका, दो बादाम। फ्रेंड्स रात के तकरीबन 2 का टाइम है, मैं वीडियो भाई ये देखें आप लोग, ये अभी है 5 का टाइम नहीं ठीक है, असर का टाइम है और देखा जाए तो अभी मतलब सूरज भी है, लेकिन ये देखें आप एक ऐसे काली अंधेरी से आने वाली है, हालांकि सिर्फ कल धूप निकली है। ये चेक करें आप, ये तो जिस तरह वाइट बादल होते हैं ना, चलो नॉर्मल है समझ रहे हो, लेकिन ये चीज़ आप देखें, ये देखें इस खजूर के पीछे से देखें आप, ये इस तरह कोई काली अंधेरी सी, वो देखें आपको ना नज़र आ रहा है, एक अंधेरी से उठ रही है, ये देखें अब क्लियर आ रहा है नज़र। अल्लाह माफ़ी, अब ये किस चीज़ की तबाही करेगा, अल्लाह माफ़ करे। बस कल के दिन सिर्फ धूप निकली थी, आज नहीं है। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखाऊं, नहीं देसी जुगाड़, ठीक है जैसे देसी जुगाड़ कहते हैं, जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो ये आप कुशन देख रहे हैं ठीक है, इस पे बैठ के मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ ठीक है, इस पे जो है मैं खाना बनाती हूँ, ये बिजली से चलने वाला है ठीक है, और ये है मेरा कुशन, इस पे बैठ के मैं बनाती हूँ। अब ये कुशन मैंने किस चीज़ का बनाया है पता है? इसके अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते जो पुराने हो जाते हैं, वो इसके अंदर मैंने फिल किए हैं। कौन है ये लोग? तो वो सारे जो भी इस्तेमाल शुदा कपड़े थे, जितने भी थे, मतलब अब ज़्यादा पुराने तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े ज़रा न्यू, या कह लें पुराने भी ठीक है, तो वो इसके अंदर मैंने फिल किए हैं, तो ये बन गया हमारा देसी जुगाड़ का एक कुशन। अब इसके ऊपर थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए ना, ये गिलाफ मेरे पास पुराना पड़ा था, अब ये गिलाफ चढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा मेरा स्टाइलिश कुशन बन जाएगा ठीक है। अच्छा मैं ऐसे चढ़ा के फिर आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है जी। जनाब हमारा देसी कुशन रेडी है, अब मैं बैठ सकती। अच्छा यहाँ पे मैंने गिरा लगा दी भला क्यों? क्योंकि मेरी सिलाई मशीन ख़राब हो चुकी है, जैसे वो मैं बनवा लूँगी इंशाल्लाह, चंद दिनों तक चलेंगे, जब ये बारिशों का ख़त्म हो जाएगा निज़ाम, तो उसके बाद चलेंगे सिटी लेके जाएंगे, फिर बना के फिर उसकी मुकम्मल ये जो है ना तरतीब सेट करूँगी, और फिलहाल गुजारे लायक ज़रा ठीक है, साफ़ सुथरा हो गया, बंदा ये निकाल के धो भी सकता है, और फिर छोटी मोटी और सिलाइयाँ भी ढेर सारी हैं जो कि करने वाली हैं, तो फिलहाल देखें मेरा देसी कुशन जिस तरह कपड़े वगैरह होते हैं बंदा ज़ाया नहीं कर सकता ना, और ना करना चाहिए, अगर किसी को देने हो तो दे दें, नहीं देने तो बंदा इस तरह छोटी मोटी कोई चीज़ है उससे बना ले। कैसे लगा आपको मेरा कुशन कमेंट में लाजमी बताना। बादल मिल कैसे रहे, अल्लाह माफ करे, या अल्लाह माफ कर दे इस बादल के लिए। क्या इनका मिलना देखें आप, आपस में टकराओ इनका, या अल्लाह करे। चले किसी ने ट्यूबवेल भी चला दिया। ओए फ्रेंड्स मड़ा ये देखो ये कल था निकाह ठीक है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मेरे खान साहब जो मेरे हस्बैंड है ना उनके कज़न लोगों का निकाह था, तो ये पैकेट निकाह के वक्त देते हैं, जिस तरह कुछ ख़ानदानों में रस्म होता है कुछ भी नहीं। देखो तो सही इसमें दिया क्या है भाई, अल्लाह निकाह में मिठाइयाँ तो सुनी थी, ये देखें शाही मेवा जी, इलायची नो 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 नो, ये भी शाही मेवे की तरह ही होता है, और साथ में ना एक टॉफी, उम्र सारी, दो बादाम और दो छुआरे थे।
अब बंदा ये पूछे निकाह बड़े का है और चीजें बच्चों वाली दे रहे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? खैर अल्लाह नसीब करे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे इनके निकाह को, आमीन सुमा आमीन। लेकिन हद है यार, बंदा मिठाई देता है कोई चीज़, ये कोई है देने वाली? ये ज्यादा से ज्यादा कितना है, 10-12 रुपए का खर्चा? चलो जी, इस तरह तो पूरी आवाम ले जाओ, 10-12 रुपए में कौन वो होता है। लेकिन चले, अच्छा छोड़ो ये, मैंने तो छुआरे खा लिए थे, ये पड़े हैं, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। मड़ा इसकी बात करो, नहीं मड़ा हमारी जान, हमारी चाय, हमारा लव, ये है। किस किस ने पीनी है जनाब? अभी अभी अपने लिए फ्रेश चाय बनाई है। चले मैं तो चाय पी रही हूँ जनाब। फ्रेंड्स, रात के तकरीबन 2 का टाइम है, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। कौन है ये लोग? और खान साहब सोए हुए, चुप चुप की वीडियो बना रही हूँ, खराटों की आवाज़। अच्छा फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो एंड कर रही हूँ।